जय हिंद स्टूडेंट्स, आपका लास्ट टॉपिक मैंने सैलिवरी ग्लैंड का कंप्लीट करा दिया था और ये आप लोगों का ही कहना है कि ज्यादा लेंथी वीडियो मत बनाइए मैम, ठीक है। तो बफरिंग होती है आपकी, तो मैं छोटे छोटे वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आपको बस पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है। मैं आपकी सारी बात मान रही हूँ और आपको भी अब मेरी सारी बात माननी है। एक तो पढ़ाई करना है और दूसरा क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। जैसे ये हार क्लासेस, ठीक है। चलिए, तो आपका सैलिवरी ग्लैंड के बाद खाना खाया, बकल कैविटी में पहुंच गया, ठीक है। बकल कैविटी में आपका टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है और टाइलिन एंजाइम, ठीक है, कहां पर, बकल कैविटी में टाइलिन एंजाइम क्या करता है, जो हम रोटी वगैरह खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड में क्या होता है आपका स्टार्च, इस कार्बोहाइड्रेट, तो स्टार्च आपका कार्बोहाइड्रेट टाइलिन को आपकी बुक में सैलिवरी अमाइलेज भी लिखा होगा, ठीक है। टाइलिन एंड सैलिवरी अमाइलेज दोनों में एक है, तो जब स्टार्च का टाइलिन एंजाइम आपका वर्क करता है तो ये डाइजेशन होता है, स्टार्च इज डाइजेस्टेड इनटू सिंपल शुगर या फिर ग्लूकोज, स्टार्च इसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका ग्लूकोज, समझ गए। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है आपकी बक्कल कैविटी से, बक्कल कैविटी में टाइलिन एंजाइम स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर। अब उसके बाद जो फूड मटेरियल फैरिंग से होता हुआ कहाँ आता है, ईसोफेगस में, ये पूरा आपका जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे फूड पाइप, जो ईसोफेगस है इसे हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं आपका, फूड पाइप बोलते हैं। तो इससे आपका फूड होते हुए किसमें पहुंचता है, आपका स्टमक में पहुंचता है, और फूड पाइप में किसी भी टाइप का कोई डाइजेशन नहीं होता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, मीन्स नो डाइजेशन, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। लेकिन इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि इसमें होता क्या है, इसमें एक मूवमेंट होता है, स्पेसिफिक मूवमेंट होता है, उस स्पेसिफिक मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज अ रिदमिक मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल, ठीक है। फूड पार्टिकल से स्लो मोशन में धीरे धीरे रिदमिक मूवमेंट होके और बक्कल कैविटी से स्टमक तक आने में जो मूवमेंट हो करता है उसे हम क्या बोलते हैं आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, ईसोफेगस में फूड पार्टिकल्स का जो रिदमिक मूवमेंट होता है उसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। इसमें एक और आपका पार्ट आता है बोलस, ठीक है, ध्यान रख रही हूं मैं। बोलस क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट यू मीन बाय बोलस, ठीक है। तो बोलस आपका क्या है, बोलस आपका वो फूड पार्टिकल्स होते हैं जब फूड पीट से छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होके जो आपका सलाइवा मिक्स हो जाते हैं, मीन्स बोलस क्या है आपका, फूड प्लस सलाइवा को जो मिक्सचर है फूड और सलाइवा का उसे हम क्या बोलते हैं, बोलस, यानी कि हम जिस फूड को निगलते हैं, ठीक है। ईसोफेगस में जो फूड आता है उसे फूड पार्टिकल ना कहकर हम क्या कहते हैं, बोलस। और बोलस का क्या होता है आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से बोलस आता है यहाँ पर आपका स्टमक में, समझ गए। तो ईसोफेगस में किसी भी टाइप का कोई डाइजेशन नहीं होता, बस ईसोफेगस में एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है किसका, आपका बोलस का, बोलस एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से कहां पर आ जाता है, स्टमक में, ठीक है। मेरा आपका स्टमक फूड कहां पर आ गया, आपका स्टमक में। अब बात करते हैं आपकी स्टमक की, स्टमक में क्या होता है, स्टमक में जो फूड है वो आपका 3-4 hours तक रहता है, ठीक है। और स्टमक में प्रेजेंट होता है, सबसे पहले स्टमक में प्रेजेंट होता है आपका कौन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। दूसरा प्रेजेंट होता है यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट होता है आपका म्यूकस की लेयर प्रेजेंट, ठीक है। तो स्टमक में एक तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम एंड
म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, एफसीएल क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ एफसीएल, वो एग्जाम में लास्ट टेंथ में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एफसीएल का क्या फंक्शन होता है, तो एफसीएल का पहला फंक्शन है जो भी हम फूड पार्टिकल खाना इंटेक करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे फूड के साथ अंदर आ जाते हैं। ठीक है, आपने ऐसे खाना खाया, गंदे हाथ से खा लिया, ठीक, हाथ धोने के बाद भी कभी कभी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हैंड से चिपके रहते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट खा लिया, तो उसमें जो खाने के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे स्टमक में पहुंचे, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है कौन, आपका एफसीएल। तो एफसीएल का फंक्शन क्या है, यहाँ पर जो एफसीएल है, एफसीएल का फंक्शन क्या है, टू किल माइक्रोब्स को क्या करना, आपका किल करना। ठीक है, जो फूड पार्टिकल्स के साथ माइक्रोब्स आए हैं उन्हें क्या करना, आपका किल करना। और दूसरा एफसीएल का फंक्शन क्या है, एफसीएल का दूसरा फंक्शन है कन्वर्ट फूड इंटू एसिडिक मीडियम। ठीक है, फूड को किसमें कन्वर्ट करना, आपका एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो स्टमक में आपका एफसीएल, एफसीएल के कितने फंक्शन है, दो, एक तो फूड के साथ आए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, और दूसरा फंक्शन क्या है, जो फूड पार्टिकल है उसे एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देना। क्यों एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देना, आगे आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब सेकेंड है आपका पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम का क्या फंक्शन, ठीक है, मैं ऊपर वाला ये सारा बोतल कैसी की कहानी रख कर रही हूँ। अब है पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, इसमें आपका वही स्टमक में प्रेजेंट होता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, जो आपकी फूड में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कौन, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एफसीएल, वही आ गया ना एफसीएल, मैंने बताया था ना एफसीएल फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। यहाँ पर लिखा था एक तो टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में, और दूसरा फूड को एसिडिक बनाने में, क्योंकि जब फूड एसिडिक होगा तभी आपका पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, आपका वर्क करेगा। अगर फूड एसिडिक नहीं हो पाएगा तो पेप्सिन एंजाइम भी वर्क नहीं करेगा, मींस वो डाइजेशन नहीं करेगा किसकी, प्रोटीन की। ठीक, तो पेप्सिन एंजाइम का क्या फंक्शन है, प्रोटीन को आपका एमिनो एसिड या फिर पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। ठीक, तो पेप्सिन एंजाइम का आपको फंक्शन पता चल गया। अब तीसरा क्या प्रेजेंट था, म्यूकस का क्या फंक्शन है, म्यूकस का फंक्शन है ये आपका स्टमक है। ठीक है, ये स्टमक है, स्टमक होता कैसा है, इंग्लिश का आपका लेटर क्या है, जी, ठीक है, जे शेप का होता है आपका स्टमक, बिल्कुल जे शेप का स्टमक होता है। इसकी जो अंदर वाली लाइनिंग है, ये वाली जो इंटरनल लाइनिंग है, ये इंटरनल लाइनिंग बनी होती है जिसकी आपकी म्यूकस से, तो जो इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टमक है वो किससे बनी होती है, आपकी म्यूकस से बनी होती है। प्रोटेक्टिंग लेयर किसकी तरह वर्क करती है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह। ठीक, आपको पता है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एफसीएल फूड वगैरह, तो ये एफसीएल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर एफसीएल आपके हाथ पर गिर जाए, आपके हाथ पर गिर जाता है तो आपका हाथ जल जाता है। ठीक है, तो फिर हमारे स्टमक में हमेशा एफसीएल प्रेजेंट होता है, वो फिर हमारा स्टमक क्यों नहीं जलता, बर्न क्यों नहीं होता, क्यों बर्न नहीं होता, क्योंकि अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटेक्टिंग लेयर प्रेजेंट होती है, और वो प्रोटेक्टिंग लेयर किससे बनी होती है, म्यूकस से बनी होती है, समझ गए। तो स्टमक में क्या था, तीन चीजें प्रेजेंट थी, जल्दी से रिकॉल करिए, स्टमक में तीन चीजें प्रेजेंट थी, एफसीएल, दूसरा पेप्सिन एंजाइम, और तीसरा आपका क्या प्रेजेंट था, थर्ड था आपका म्यूकस की लेयर। ठीक है, जो एफसीएल है, एफसीएल के दो फंक्शन थे, एक फंक्शन आपका क्या था, टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, और दूसरा फूड को एसिडिक बनाना, ठीक है, जिससे कि पेप्सिन एंजाइम वर्क कर सके। अब दूसरा है पेप्सिन
पेप्सिन का क्या फंक्शन है? पेप्सिन का फंक्शन है प्रोटीन का डाइजेशन करके उसके सिंप्लेक्स फॉर्म पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देना। तीसरा है आपका म्यूकस। म्यूकस फॉर्म द इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टमक विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक फ्रॉम एफसीएल। एफसीएल से स्टमक की प्रोटेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन? आपका म्यूकस की लेयर। समझ गए यहाँ तक? और डाइजेशन किसका हो गया अभी तक? बक्कल कैविटी में किसका हुआ था? बिल्कुल सही, स्टार्च का। और स्टमक में किसका हो गया? आपका प्रोटीन का। अब फूड आपका यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगा। फूड लिवर में दिखाना, ये लिवर और गॉल ब्लैडर में कभी एंटर नहीं करता। इससे कुछ आपके सीक्रेशन क्या होंगे? सीक्रेट होंगे। अब यहाँ से जो फूड है वो आपका किसमें आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचकर। और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने से पहले गॉल ब्लैडर का, लिवर गॉल ब्लैडर का सीक्रेशन और पैंक्रियास का सीक्रेशन इस फूड में आपका क्या होता है? मिक्स होता है। पहले मिक्स होता है किसका? ये पहले लिवर का सीक्रेशन और उसके बाद आपके पैंक्रियास का सीक्रेशन मिक्स होता है फूड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।